Co-powered by Techno. खबर बिहार से। बिहार में बाढ़ से हालात बेहद खराब है। 19 जिलों में 12 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सीतामढ़ी में बाढ़ से 5 लोगों की मौत हो गई है। नेपाल में फिर से भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। जो जानकारी मिल रही है, नेपाल में अब तक 240 लोगों की मौत हो गई। और वहीं बिहार में कोसी नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। सुपौल में बाढ़ की क्या स्थिति है, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नेपाल से निकलने के बाद कोसी तकरीबन 200 किलोमीटर का सफर तय करके बिहार के कुर्सेला में जाके गंगा नदी में मिलती है, लेकिन उसके पहले जो उसका रौद्र रूप है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सुपौल में कोसी तेज रफ्तार से बह रही है, कटाव तेज है। नेपाल में आज फिर भारी बारिश के अलर्ट के बाद ये और विकराल रूप ले सकती है। जिस एरिया में हम खड़े हैं वो रिवर बेड है, इसके बाद बांध है, बांध के बाद जो एरिया है उसको कंट्री साइड बोलते हैं। तो अच्छी बात यह है कि अभी तक कंट्री साइड में पानी नहीं गया है। रिवर बेड एरिया में ही पानी है, जिसमें कि तमाम तरह के गांव आपको नजर आ रहे होंगे। नेपाल से करीब 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद कोसी अथा समुद्र में तब्दील हो गई है। कोसी का दूसरा छोर आपको दिखेगा ही नहीं। जो लोग नदी के किनारे रहते हैं वो लोग बोल्डर और बोरियों के जरिए कटाव को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में कोसी के किनारे रहने वाले नदी के शांत रहने की प्रार्थना भी कर रहे हैं। इस बीच आपदा में अवसर की ये तस्वीर भी देखिए। नेपाल से बड़ी मात्रा में पानी के साथ लकड़ियां भी बहकर आ रही हैं, जिसे लोग पानी से निकाल कर बेच रहे हैं। अब तक 19 जिलों में 12 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, बताया जाता है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने अब तक 2,26,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा है। राहत शिविरों और सड़कों पर लोगों ने शरण ले रखी है। इधर केंद्र सरकार ने बिहार को बाढ़ से निपटने के लिए जैसे ही 665 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया, वैसे ही राजनीति शुरू हो गई। आपको पता है कि इन इन इलाकों में पानी आता है, तो उसके लिए उचित पहले से वो लोग तैयार क्यों नहीं रहते, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो चाहे आपदा विभाग के लोग हों। बाढ़ प्रभावित दरभंगा समेत कई जिलों में राहत सामग्री बांटने का काम बहुत तेज कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम भी लगातार ऑपरेशन में जुटी हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाढ़ प्रभावित दरभंगा समेत कई इलाकों के हवाई सर्वेक्षण के बाद प्रशासनिक महकमे ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। जिले में वायुसेना के जवानों ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कमान संभाल ली है। 2 हेलीकॉप्टर की मदद से फूड पैकेट जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों में गिराए जा रहे हैं। जिला प्रशासन के आंकड़े के मुताबिक हेलीकॉप्टर से सेना के जवानों ने ऊंचे और सूखे स्थानों पर शरण लिए बाढ़ पीड़ितों के बीच तकरीबन 2,000 फूड पैकेट बांटे हैं। कीरतपुर के 8 पंचायत में फूड पैकेट गिराए गए हैं, जबकि सीतामढ़ी में भी यहीं से फूड पैकेट भेजने का काम किया गया है। अभी तक के आंकड़े के अनुसार 2 से 3 दिन में सभी बाढ़ पीड़ितों के पास फूड पैकेट भेज देने का लक्ष्य तय किया गया है। डीएम राजीव रोशन ने निर्देश दिए हैं कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नेपाल से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से कोसी नदी में जलस्तर बढ़ने से दरभंगा शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में राहत कार्य में लगे सेना के हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। सीतामढ़ी में बाढ़ राहत के पैकेट बांटकर वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर मुजफ्फरपुर लौट रहा था। इसी दौरान हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। स्थानीय लोगों के मुताबिक हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से में आग लग गई थी। पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बाढ़ग्रस्त इलाके के जल भराव में हेलीकॉप्टर को उतार दिया। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 4 लोग सवार थे। स्क्वाड्रन लीडर प्रवीण को गंभीर चोटें लगी। चारों वायुसेना कर्मियों का इलाज मुजफ्फरपुर के SKMCH में चल रहा है। Co-powered by Techno.